सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों का ये मामला है। विफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकला तक रसाई ना देने के बयान की तरदीद कर दी है। विफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौकिफ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात भी जमा करवा दी हैं। विफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ अहल खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त भी जमा करवाई है। इस पर बात करेंगे इकरामुल्ला जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकरामुल्ला, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, ये नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों का मामला है और इसमें वफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकला तक रसाई ना देने के बयान की तरदीद की है और वफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौके की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात भी जमा करवा दी है। वफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ अहल खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त भी जमा करवा दी है। बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौके भी गलत है, रिपोर्ट में मौके इख्तियार किया गया है। जबकि वफाक हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला की रसाई ना देने का मौके अपनाया, रिपोर्ट में लिखा गया। जबकि अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में लिखा गया कि बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। जी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।